ये बात है 100 साल पहले की, जब लास्ट कोई कार फोर सेल सिमुलेटर में अपडेट आया था, बट फाइनली बिग 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 अपडेट आ चुका है कार फोर सेल सिमुलेटर में। एक है विंटर अपडेट, सेकंड है ड्रिफ्ट मैप अपडेट, और भाई पत्री क्या क्या अपडेट आया जो आपको वीडियो में दिखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। लगता है आज कार फोर सेल में बर्फ पड़ने वाली है। ओ भाई, हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी पड़ी है। अब कार फोर सेल का पूरा मैप भाई ढक चुका है बर्फ से। पर आई थिंक एक इवेंट भी आया है जो हमें सेंटा क्लॉज, ओ भाई सेंटा क्लॉज का नाम लिया, सेंटा क्लॉज हाजिर भाई। ये देखो, ओ भाई कितना मस्त लग रहा है। और हमें ना ये देखो स्नोमैन ना कलेक्ट करने में जाके इसके पास जाता हूँ। अभी मेरे पास एक स्नोमैन है, ये दूसरा स्नोमैन मुझे मिल जाएगा, टक्कर मारूंगा इसमें। नहीं टक्कर नहीं मारना, इसके ई से स्नोमैन, मुझे 2 स्नोमैन मिल चुके हैं। ऐसी मुझे 30 स्नोमैन कलेक्ट करने हैं। पर अपन को मिलेगी आई थिंक कोई बढ़िया सी न्यू स्नो वाली कार, जो भाई खतरनाक होगी भाई, सबसे ज्यादा महंगी होगी और सबसे ज्यादा रेयर होगी। और ये गिफ्ट कैसे पड़ेगी, गिफ्ट पे कलेक्ट करने क्या? ओ भाई, ओ भाई भाई गिफ्ट कलेक्ट करने में मुझे 2500 रुपए मिले, मतलब $2500, रुपए नहीं। ओ भाई मस्त, जैक जंक यार्ड के पास जाके देखते हैं वहां पे कोई अपडेट आया कि नहीं। अच्छा एक और, एक और, एक और, एक और, एक और स्नोमैन है वहां पे। भाई मैं स्नोमैन लेता हूँ जल्दी से, मुझे कार चाहिए। कार कहाँ मिलेगी? स्नोमैन कलेक्ट तो कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और स्नोमैन ये रहा भाई, मजा आ गया। सारे के सारे स्नोमैन यही मिल जाएंगे क्या? एक और स्नोमैन, मेरे पास 4 स्नोमैन हो गए टोटल। यहाँ भी आई थिंक मुझे कोई स्नोमैन मिल जाए, नहीं यहाँ तो नहीं है। पेंट शॉप पे, पेंट शॉप पे भी कोई स्नोमैन नहीं है। गिफ्ट 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 मिल गया, गिफ्ट मिल गया। अब मुझे मिलेगा मनी भाई, $900 मिल चुके हैं भाई। ये सही है, गिफ्ट में पैसे मिल रहे हैं यार। मुझे ऐसा क्रिसमस मनाना है, मुझे सब भाई पैसे दो गिफ्ट में। और ये रहा पीछे एक स्नोमैन, एक ये रहा स्नोमैन, एक वो रहा पीछे। और भाई स्नोमैन नाच भी रहा है भाई, डांस कर रहा है भाई, उसमें इफेक्ट है बढ़िया। मैं जाके देख के आता हूँ उसके बाद। सॉरी को सॉरी भाई, मैं कलेक्ट कर लूंगा अपने स्नोमैन, तो देखते हैं हमें कौन सी कार मिलती है। मैं अपनी निसान जीटर लेके जाऊंगा। चल बेटा मेरी निसान जीटर, बहुत टाइम हो गया तो इस चलाए हुए, कोई अपडेट नहीं आ रहा था, हमें मन नहीं कर रहा था चलाने का। अपनी निसान जीटर को लेकर चलता हूँ यार सारे स्नोमैन कलेक्ट करने। आई थिंक मैंने पीछे देखा था ना, हाँ वो पीछे देखा था वहाँ पे है, उसको मैं ठोकर मार दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? अरे यही तो था। अच्छा ये रहा, मैं सोच रहा भाई गायब हो गया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। और भाई मेरी निसान जीटर कितनी फास्ट भाग रही है स्नो में भी यार। निसान जीटर भाई सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कार है। और मुझे ड्रिफ्ट मैप भी देखना, ड्रिफ्ट मैप कहाँ पे? वो रहा एक और स्नोमैन, मेरे प्यारे स्नोमैन इधर आ जा, मुझे कार चाहिए। अच्छा वो पीछे अंदर की साइड, अंदर की साइड है, चलो अंदर की साइड ही चलते हैं। और ये देखो भाई मीटर का सिस्टम भी बदल चुका है, नॉस का सिस्टम बदल चुका है, सारे के सारे भाई। ड्राइव हेल्पर, ये क्या है? पी से प्रेस करते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, पहले भी थी। यहाँ पे एक स्नोमैन है, आई थिंक मुझे कार से उतरना पड़ेगा स्नोमैन लेने के लिए। चलो 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 जल्दी से स्नोमैन कलेक्ट करते हैं। और कोई तो स्नोमैन नहीं यहाँ पे, गिफ्ट 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 तो नहीं है। ये रहा स्नोमैन भाई, यहाँ से चले जाता ना मैं फिर स्नोमैन मिलता नहीं है वाला। और कोई स्नोमैन, 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 गिफ्ट 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 गिफ्ट, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, कितने मिले? $400 मिले भाई, $500। और ये देखो भाई, ये सेंटा क्लॉज का पीछा करूंगा, कोई क्या मुझे कुछ बढ़िया मिलेगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आई थिंक ये तो बस ये चक्कर लगा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं भाई सबको, नेबर्स में जाके गिफ्ट मिल रहे होंगे। मैं अपनी निशान जीटर निकालता हूँ यार। और भाई कैमरा व्यू कितना तगड़ा हो चुका है ना अब इस गेम का भाई, बहुत मस्त व्यू कर दिया। ये देखो भाई क्या मस्त व्यूज कर दिए भाई इसके। यार मुझे तो यही लग रहा है अगर मैं सारे के सारे स्नोमैन कलेक्ट कर लूंगा तो मुझे कोई न्यू कार मिलेगी। ओह भाई रात का इफेक्ट तो और ज्यादा खतरनाक है, ये देखो भाई, मुझे लाइट जलानी पड़ेगी नहीं तो ठुक जाएंगे। वो देखो सेंटा क्लॉज ऊपर से जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए स्नोमैन आई थिंक। हाँ बोरा बोरा बोरा, पीछे एक स्नोमैन है, पीछे एक स्नोमैन है, जल्दी से कलेक्ट करते हैं। मुझे कोई कार तो मिलने वाली, जैसे हेलोवीन में कोई कार मिली थी ना, हेलोवीन इवेंट में, इस वाले इवेंट में भी कोई कार मिलनी चाहिए, कोई बढ़िया कार मिलनी चाहिए भाई, ऐसी हो एकदम खतरनाक सी भाई, सेंटा क्लॉज वाली कार हो कोई, रेड कलर की एंड रेड एंड व्हाइट। और भाई चलते चलते भाई स्नो छोड़े और हवा में भी उड़ जाए, मजा आ जाएगा। ऐसा तो हो गया, तो अंदर जाके देखता हूँ क्या पता अंदर भी कोई स्नोमैन हो। अरे आंटी ठंड लग जाएगी इस टाइम भी, बियर पी रही हो ठंड में बाहर बैठ के, यार समझ नहीं आता आंटी का भी। और ये अंकल से बात करते हैं, सेल पार्ट, पार्ट तो सेल नहीं करने मुझे पे, पार्ट कोई है भी नहीं। और यहाँ पे आई थिंक मैंने स्नोमैन देखा, ये रहा स्नोमैन, एक और स्नोमैन हो चुका है, 10 स्नोमैन हो चुके हैं टोटल, 20 स्नोमैन। अरे भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने कैसी भाई ये बना रखी है, अंदर तक स्नो आ रही है भाई, बेकार है। ये गिफ्ट है, गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट मिल गया, रेडिएटर इज गिफ्ट योर फाउंड रेडिएटर, मुझे एक रेडिएटर मिल गया यार, सही है रेडिएटर मिला है, ये बढ़िया है।
आई थिंक मुझे अब सो जाना चाहिए भाई, रात बहुत ज्यादा हो गई, कुछ दिख भी नहीं रहा ढंग से, और भाई बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ी, अपनी कार फिसल फिसल गई, एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत गंदा। तो मैं जाके सो जाता हूँ और सुबह उठ के भाई फिर से भाई 20 स्नोमैन बचे हैं वो ढूंढना चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत ठंड हो रही है बाहर अपनी सिटी में, और ये देखो भाई अपना नेबर ही पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और ये रहा अपना स्नोमैन, कहाँ जा रहा है बेटा, इधर आ जा, 20 स्नोमैन बचे हैं बस, ये स्नोमैन हो चुका है। आई थिंक भाई मुझे नेबर में ही सबसे ज्यादा स्नोमैन मिलने वाले हैं, नेबर में बहुत ज्यादा मुझे पम्पकिन मिले थे, तो स्नोमैन भी यही मिलेंगे सबसे ज्यादा। मैं जल्दी से तलाश करता हूँ स्नोमैन की, कहाँ है आंटी, आपको स्नोमैन पता है कहाँ पे है, मुझे बताइए प्लीज स्नोमैन। आंटी तो खुद ही कांप रही ठंड के, भाई ठंड के मारे देखो कांप रही है भाई आंटी, भाई अंदर जाके बैठो ना। और ये रहे हमारे सेंटा, जल्दी से स्नोमैन स्नोमैन, बोरा 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 बोरा, एक और स्नोमैन भाई अपने घर के पीछे ही है, मैंने यहाँ पे देखना तो भूल ही गया था। लो एक और स्नोमैन आ चुका है, कितने स्नोमैन बचे हैं, 12 हो चुके हैं। अगर यार मैं बिना कार के ढूंढूंगा ना स्नोमैन तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मैं तो कार लेके जाने वाला हूँ। और ये देखो गाइस एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो जैसे ही मैं अपनी कार लेके जाता हूँ देखो यहाँ से बर्फ फटने लग जाती है यहाँ से, एक्सीडेंट हो, ओ भाई यार इफेक्ट कितने अच्छे हो गए, और सामने स्नोमैन है सीधे टक्कर मारते हैं स्नोमैन में, एक और स्नोमैन आ चुका है, और यहाँ पे आई थिंक मिल सकते हैं स्नोमैन, देख लेता हूँ ढंग से चेक करना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल काम है स्नोमैन ढूंढना, सारा का सारा इलाका छान मारेगा तुम्हारा भाई पुलिस की तरह। कोई मुजरिम तो नहीं है यहाँ पे, मतलब स्नोमैन तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ है इस इलाके में तो ढूंढ लिया मैंने, दूसरी लेन में जाके ढूंढते हैं वहां मिल जाए क्या पता स्नोमैन। यार इतने सारे स्नोमैन बचे और अभी तक नहीं मिल रहे, ये गलत बात है। गिफ्ट 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 $1400 मिल चुके हैं, यहाँ कोई स्नोमैन, और ये रहा भाई ये देखो, कार से ये चीजें पता नहीं चलती, जो घरों के बीच बीच में ना वो चीजें नहीं पता चलेंगी हमें, अब मैं तो सीधे निकल जाता हूँ यहाँ पे स्नोमैन रह जाता, तो अभी यहाँ पे कार छोड़ ही देता हूँ मैं। और एक और गिफ्ट मिल गया, इसमें क्या है, एग्जॉस्ट मिला है भाई, कार का एग्जॉस्ट मिल चुका है, एक और गिफ्ट। और ये घर भाई, घर भी खुला हुआ है, ये देखो भाई पहले गेट बंद रहते थे घर के, यार ये सही है, घर के गेट भी खोल दिए अब, यहाँ पे कोई स्नोमैन, नो, वो रहा एक स्नोमैन, वो देखो वो कैसे घूम रहा है, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, रुक जा बेटा अभी आ रहा हूँ, कहाँ घूम रहा है बेटा, इधर आ मेरे पास स्नोमैन, इधर आइए, ये एक और स्नोमैन, 15 स्नोमैन हो चुके हैं, 15 और बचे हैं बस भाई, 15 स्नोमैन और अपनी बढ़िया रेयर कार अपने पास होएगी, जल्दी चलते हैं। और जाम लगा दिया तुम्हारे भाई ने, भाई ट्रैफिक जाम लगा दिया, जल्दी लेटो, अरे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आ गया सर, स्नोमैन ढूंढने गया था, आ गया मैं, आ गया भाई, कार लेके अपने पुराने घर की साइड चलते हैं, आई थिंक वहाँ पे भी कुछ स्नोमैन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे 3-3 पम्पकिन मिले थे पिछली बार, यहाँ पे स्नोमैन, वो देखो बोला ही था वहाँ पे स्नोमैन मिलेंगे, एक और अंदर भी दिख चुका है मुझे, वो देखो एक अंदर दिख गया और एक बोरा, अरे ये ना ये निकल जाते हैं कहीं भी स्नो, एक और भाई, लॉटरी लग गई, ये लॉटरी भाई मेरी कार आज बचेगी नहीं, मुझे लग रहा है आज मेरी निसान GTR में पूरी डैमेज होने वाली, पूरी की पूरी गंदी डैमेज होने वाली है। एक और ये रहा और एक अंदर है अपने पुराने घर के पास, चलो एक ये हो गया, एक ये रहा, ठीक है इसको तो मैं ऐसे ही ले आता हूँ, ये हो गया, चलो अब रह गए हैं भाई ओनली 11 स्नोमैन, जल्दी से उनको भी ढूंढ लेते हैं, आई थिंक मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। एक और स्नोमैन दिखा, दूर से दिख रहा वो चल रहा, ये रहा आ रहा हूं मैं तेरे पास ही आ रहा हूं बेटा, इसको ठोकेंगे भाई, चलो ओनली 10 स्नोमैन लेफ्ट, नहीं भाई 8, दोनों के दोनों स्नोमैन यही है, ये देखो ये रे और एक और ये रहा, कहां है ये रहा भाई, ये रहा भाई, बस 8 स्नोमैन, मजा आ जाएगा। ड्यू कार यहाँ पे भी आई थिंक होना चाहिए कोई स्नोमैन, गाइज आपने स्नोमैन देखा है क्या यहाँ पे, जल्दी बताओ, एक गिफ्ट मिल चुका है $1700, वो रहा एक और वो रहा भाई, दो और मिल चुके हैं तुम्हारे भाई को, जल्दी से ले लेते हैं, एक हीरा और एक भाई, इन लोगों को पता होगी कहाँ पे स्नोमैन, ये मुझे बता नहीं रहे हैं भाई, मुझे बता दे मेरे जुड़वा भाई कहाँ पे स्नोमैन, प्लीज बता देना मेरे भाई, नहीं बता रहा यार, ये तो इसमें गाड़ी चढ़ा देता भाई, अगर मुझे ऑप्शन होता ना गाड़ी चढ़ाने का तो मैं चढ़ा देता एकदम, समझ रहे हो। ओनली 6 स्नोमैन बचे हैं और एक और मिल चुका है हमें कार ऑप्शन के पास, भैया यहाँ क्या कर रहे हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो कार ऑप्शन के पास, 5 स्नोमैन और बचे हैं, ये मेरे घर के पास मिलेंगे क्या, पीछे देखना पड़ेगा, मतलब अपने ऑफिस के पास, घर के पास तो हम होके आ गए ऑफिस के पास, यहाँ पे तो कोई स्नोमैन नहीं है, मैं यहाँ पे चेक कर चुका हूँ, यहाँ पे देखते हैं एक बार, पीछे जाके देखता हूँ क्या पता वहाँ पे कोई स्नोमैन मिल जाए,
मिल जाए यार, मिल जाए ना प्लीज भाई, ओनली बस 5 स्नोमैन बचे हैं। और ये देखो भाई कहाँ छुपा बैठा है ये स्नोमैन, कहाँ छुपा बैठा है, पूरा पहाड़ के ऊपर जाके बैठा। अबे तुझे यहाँ पे किसने बनाया बे, यहाँ पे कौन आया तुझे बनाने भाई, यहाँ पे भी कोई छुपने की जगह है, पहाड़ पे नहीं देखता मैं फिर क्या चला जाता भाई, मैं यहाँ से निकल जाता सीधा सीधा। यार बस 4 स्नोमैन बचे हैं यार, कहाँ पे हैं, मुझे मिल जाओ ना जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज, एक और स्नोमैन, एक और स्नोमैन, शुक्रिया आंटी आपने लगाया होगा यहाँ पे स्नोमैन। मिल चुका है, 3 स्नोमैन बचे हैं, 3 स्नोमैन भाई ऐसी जगह होंगे जहाँ पे मैं होके भी आ चुका और मुझे दिखे भी नहीं है, समझ रहे हो, रात भी हो गई थी तो मुझे उसी रोड पे जाना पड़ेगा, आई थिंक रेड बार के पास, रेड बार के पास मुझे मिल सकते स्नोमैन, तो मैं जल्दी से ना रेड बार के पास जाता हूँ, वहां मुझे मिल जाएंगे पक्का। अब मैं जा रहा हूँ रेड बार के पास क्योंकि कल हो गई थी रात वहां पे, तो भाई ढंग से मैं स्नोमैन देख नहीं पाया, वहीं मिलेंगे मुझे लग रहा है। और एक बार मैं यहाँ पे भाई खेतों में जाके भी देखना पड़ेगा, क्या पता कहीं पीछे हो। तो मैंने अपनी हेलोवीन वाली कार ले ली है भाई, अपनी हेलोवीन एडिशन, क्योंकि स्नो, ओ ये देखो भाई, यही तो मैं बोल रहा था यहाँ पे देखना मैं भूल गया, और यही मिली देखो स्नोमैन, और इतनी बर्फ भाई, कुछ ज्यादा ही स्नो आ रखी है भाई, कितनी स्नो है यहाँ पे, यहाँ पे कोई स्नोमैन किसी ने स्नोमैन देखा है क्या यहाँ पे, नहीं भाई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मुझे कोई स्नोमैन। बोरा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ देखा, ये रहा भाई ओनली 1 स्नोमैन लेफ्ट, एंड अपनी न्यू कार अपने घर में होगी। जल्दी से 1 स्नोमैन बचा है, उसको भी ढूंढते हैं कहाँ पे है भाई, मुझे लग रहा है ये 1 स्नोमैन ही ना बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला। किस्मत कितनी बढ़िया है मेरी भाई, कितनी बढ़िया किस्मत है मेरी, देख रहे हो तुम लोग, मैंने बोला ये 1 स्नोमैन बहुत टाइम लगाने वाला, बट नहीं, ये देखो मुझे कार से उतर के जाने का मन कर रहा है, मेरे प्यारे स्नोमैन तू यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई, तू इसको लेते ही गाइस फाइनली यहाँ पे ई प्रेस करते ही कुछ तगड़ा होने वाला है भाई, मुझे नहीं पता कोई कार आने वाली, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मैं दबाने वाला हूँ 1 2 3 और ये प्रेस ई, भाई ये क्या है भाई, सांता क्लॉज भाई गिफ्ट छोड़ के गए मेरे लिए सांता क्लॉज, में जाके देख के आता भाई वहां पे गिफ्ट है, ये देखो भाई पूरा गिफ्ट भाई, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलो मेरा न्यू गिफ्ट, मजा आएगा भाई, क्या दिया है सांता क्लॉज ने, आई थिंक कोई बढ़िया कार होने वाली है, कोई अल्ट्रा रेयर सुपर कार होने वाली है, सेंट अंकल क्या छोड़ के गए हो मेरे लिए, ओ ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना गाइस, क्या है इसमें यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ से होगा ये ओपन, कहाँ से होगा ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये भाई, सेंटा क्लॉज कैसा गिफ्ट देके गए, ये तो खुल ही नहीं रहा सेंटा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला अगर ये गिफ्ट नहीं खुलेगा ना, और मेरा पोपट हुआ यहाँ पे कुछ नहीं निकला तो सेंटा गया भाई मेरे हाथों से, मैं इसको कार से ठोकने वाला हूँ भाई, मैं कार से ठोक दूंगा, रुक जाओ हट जाओ, ये खुल ही नहीं रहा भाई, सेंटा तो गए मेरे हाथ से, खोलो इसे, कार आर पार कर दी मैंने इसके अंदर से, हद है ये जब भी नहीं खुल रहा है, कहाँ से खुलेगा भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों होता है ऐसा, खुल गया गिफ्ट ओपन, और ये क्या भाई, ओ भाई क्या तगड़ी मस्टैंग है ये भाई, ये तो अल्ट्रा रेयर सुपर मस्टैंग है भाई, क्या तगड़ी लग रही है इसमें भाई, वो देखो भाई क्या, ओ भाई क्या मस्त इफेक्ट हो रखे हैं, ये देखो भाई चला के देखते हैं, ओए मेरी मस्दा, मैं तुझे इसका घर पहुंचाता हूँ, पहले मस्दा को अपने घर पहुंचाता हूँ, ऑफिस पहुंच गई है, और ये रही हमारी न्यू मस्टैंग भाई, क्या मस्त लग रही है ना, ज्यादा फील नहीं आ रही बट चलाने में, ओ बट भाई आप लोगों ने ये देखा, एक चीज देखो, ये देखो, और एक और स्नोमैन भाई, यहाँ पे स्नोमैन कैसे आया, 30 स्नोमैन होते हैं और मैंने 31 स्नोमैन कलेक्ट कर लिए, क्या पता मुझे और नए गिफ्ट मिले ऐसे करके, है ना, लगता है आप लोगों को कि न्यू मुझे कुछ गिफ्ट मिलेंगे ऐसे करके, 30 स्नोमैन और कलेक्ट कर लूंगा तो, नहीं ऐसा हो नहीं सकता वैसे, आप लोग मुझे कमेंट में बताना भाई ये चीज, बट ये देखो भाई क्या भाग रही है मेरी,
ये कार भाई बेस्ट है, ये बहुत महंगी जाने वाली है, मैं इसको ना बेचने भी नहीं वाला, मैं पहले बात तो मैं बेचूंगा ही नहीं से। अब कराते हैं अपनी न्यू मस्टैंग को रिपेयर, पेंट एंड भाई ट्यून, पूरी भाई खतरनाक करके ट्यून करा दूंगा। तो अंकल जल्दी से इसको रिपेयर करो भाई, पूरी की पूरी डैमेज थी यार। सेंटा क्लॉज ये गलत बात नहीं है, मुझे टूटी फूटी कार दे के गए हो, और भाई मैं सोच रहा हूँ जैसे मेरे 33 हो गए देखो स्नोमैन, अगर मैं और स्नोमैन कलेक्ट कर लूंगा क्या भाई दूसरी कार भी दे के जाएंगे सेंटा। भाई सोचो कोई भाई तगड़ी सी निसान GTR मिल जाए भाई, जैसे मुझे मज़दा RX-7 मिली भी है भाई, हेलोवीन एडिशन वाली भाई, बहुत रेयर कार है वो। तो आई थिंक हो सकता है ऐसा, ये सब चीज़ें मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्राई करूंगा, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पे जरूर आना मेरी, है ना। तो अभी हम पहले सबसे पहले इसको TA हो रही है रिपेयर, उसके बाद कराता हूं मैं इसको ट्यून, उसके बाद पेंट। भाई पेंट क्या हो सकता है इसमें बढ़िया, भाई मुझे लग रहा है इसको रेड पेंट बहुत तगड़ा लगेगा, जैसे इस पे इफेक्ट भाई टेपिंग हो रखी है ना भाई, भाई बहुत मस्त टेपिंग हो रखी है इस पे। तो जल्दी से अंकल रिपेयर करो यार, इसे बहुत टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें। पर अंकल आप छुट्टी वुट्टी लेते यहाँ पे, ये क्रिसमस है न्यू ईयर है, छुट्टी वुट्टी लो यार आप, मजे लो जाके, है ना। मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ आज का, आप ये रिपेयर करके निकल जाइए अपने घर पे। अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार, बेइज्जती हो रही है, मैं जाता हूँ यहाँ से सबसे पहले, जब तक रिपेयर कर रहे हैं ये कार हो गई अपनी रिपेयर, और क्या बढ़िया लग रही है। अब जल्दी से इसको कराते हैं ट्यून, ट्यून कराऊंगा, पेंट कराऊंगा, फिर उसके बाद धोऊंगा भाई, क्योंकि देखो गंदी कितनी हो रही है, ब्लैक ब्लैक हो रखा है पेंट उसके ऊपर। तो अंकल जी इसे ट्यून कर दो बढ़िया से, लो भाई लो, जल्दी से ट्यून करते हैं इसको। इसमें रेसिंग किट लगी है, ABS टर्बो लगा लिया, सस्पेंशन इसका थोड़ा कम करो जरा, सस्पेंशन कम ही अच्छा लगता है भाई ऐसी सुपर कार्स में, मसल कार्स में। और इसकी कराता हूँ रेड, ओ भाई बीस्ट बीस्ट बीस्ट। और यहाँ पे नंबर प्लेट पे किसका नाम लिखे, तो जो जो भाई कमेंट करेगा ना बस उसी का नाम लिखा जाएगा देखो नंबर प्लेट पे, है ना। तो मैं व्हील्स देखता हूँ सबसे पहले, व्हील्स कौन से हैं बढ़िया, ये वाले व्हील्स अच्छे लग रहे हैं क्या, नहीं यार ये वाले व्हील्स अच्छे लग रहे हैं, ये वाले थोड़े तगड़े से लग रहे हैं, ओ भाई ये लग रहे हैं भाई खतरनाक। चलो भाई चलो भाई, ट्यून तो हो चुकी है, अब इसे कराता हूँ पेंट। अंकल पेंटिंग वाले अंकल मैं आ रहा हूँ, मैंने बोल दिया था ना अंकल मैं आ रहा हूँ, अच्छा हटा लिया भाई, देखो इज्जत तो है देखो मेरी यहाँ पे, मैं जैसे ही बोल देता हूँ अंकल मैं आ रहा हूँ और देखो उन्होंने हटा ली। पेंट हो सकता है क्या यार, नहीं इसमें पेंट नहीं हो सकता गाइस, पॉलिश हो सकती है आई थिंक पॉलिश, ओ भाई पॉलिश हो सकती है, देखो पॉलिश हो सकती है। और ये अब लग रही है एकदम मस्त कार, पहले ढंग से दिख नहीं रही थी कार का पेंट, जो ये टेपिंग हो रखी है अब अच्छे से टेपिंग दिख रही है, इसको यहीं धो लेता हूँ मैं कार को। ओ भाई क्या मस्त लग रही है, मुझे भाई एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी मस्त लगेगी, ओ भाई मस्त लग रही है यार अपनी रेयर विंटर एडिशन मस्टैंग, कितनी प्यारी लग रही है धो धा के भाई पेंट करके, भाई मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। और भाई नेक्स्ट अपडेट हम देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।